हमारा ग्रह बदल रहा है, तापमान बढ़ रहा है और मौसम के मिजाज और भी ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। ये बदलाव जो इंसानी गतिविधियों से प्रेरित हैं, हमारे ग्रह को बहुत गहरे रूप से प्रभावित कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण परिणामों में से एक है जलवायु परिवर्तन, एक ऐसी घटना जो पृथ्वी पर सभी जीवन के लिए खतरा है। जलवायु परिवर्तन का मतलब है तापमान और मौसम के पैटर्न में लंबे समय तक आने वाले बदलाव। इंसानी गतिविधियां जैसे कि जीवाश्म ईंधन को जलाना वातावरण में ग्रीन हाउस गैसें छोड़ रही हैं। ये गैसें गर्मी को रोक लेती हैं और ग्रह को गर्म करती है, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ता है और ज्यादा गर्मी की लहरें आती हैं और बारिश के पैटर्न में बदलाव होते हैं। ये बदलाव सिर्फ पर्यावरण से जुड़े नहीं है, इनके दूरगामी सामाजिक और आर्थिक परिणाम भी है। जलवायु परिवर्तन कृषि, जल संसाधनों और मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। यह गरीबी और असमानता को और बढ़ाता है, समुदायों को विस्थापित करता है और व्यापक पीड़ा का कारण बनता है। जैव विविधता, जिसका मतलब है पृथ्वी पर जीवन की विविधता। इसमें सूक्ष्म जीवों से लेकर सबसे बड़ी भेल तक सभी जीवित चीजें शामिल हैं। स्वस्थ ग्रह और हमारी अपनी भलाई के लिए जैव विविधता आवश्यक है। यह हमें भोजन, स्वच्छ हवा और पानी और दवाएं प्रदान करता है। यह हमारी जलवायु को नियंत्रित करने, हमारी फसलों को परागित करने और हमें प्राकृतिक आपदाओं से बचाने में मदद करता है। एक विविध इकोलॉजिकली तंत्र एक लचीला इकोलॉजिकली तंत्र है जो परिवर्तन के अनुकूल होने और झटकों का सामना करने में बेहतर होता है। हालांकि मानवीय गतिविधियां जैव विविधता के नुकसान को एक खतरनाक दर से बढ़ा रही हैं। आवास विनाश, प्रदूषण, संसाधनों का अत्यधिक दोहन और जलवायु परिवर्तन सभी योगदान देने वाले कारक हैं। जैव विविधता का यह नुकसान हमारे ग्रह के स्वास्थ्य को कमजोर करता है और हमारे अपने अस्तित्व के लिए खतरा है। जलवायु परिवर्तन आज जैव विविधता के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है। तापमान बढ़ने और मौसम बदलने से कई प्रजातियां संघर्ष कर रही हैं, उनके आवास सिकुड़ रहे हैं और भोजन के स्रोत दुर्लभ हो रहे हैं। समुद्र का बढ़ता स्तर तटीय आवासों को जलमग्न कर रहा है। महासागरीय अम्लीकरण प्रवाल भित्तियों को नुकसान पहुंचा रहा है। भाग 4, एक दुष्चक्र। जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता हानि परस्पर जुड़े हुए मुद्दे हैं जो एक दूसरे को बढ़ाते हैं। जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन बिगड़ता जाता है, यह जैव विविधता के नुकसान को तेज करता है। बदले में जैव विविधता के नुकसान से जलवायु परिवर्तन से निपटने की ग्रह की क्षमता कमजोर होती जाती है। उदाहरण के लिए, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके वन हमारी जलवायु को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि मानवीय गतिविधियों जैसे कटाई और कृषि द्वारा संचालित फॉरेस्ट्सों की कटाई इस संग्रहित कार्बन को वापस वायुमंडल में छोड़ रही है, जिससे जलवायु परिवर्तन तेज हो रहा है। इसी तरह स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अधिक लचीला होते हैं। वे चरम मौसमी घटनाओं का बेहतर ढंग से सामना कर सकते हैं, स्थानीय जलवायु को नियंत्रित कर सकते हैं और मानव समुदायों के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान कर सकते हैं। हालांकि जैसे जैसे जैव विविधता कम होती जाती है, पारिस्थितिक तंत्र जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील होते जाते हैं, जिससे गिरावट का दुष्चक्र शुरू हो जाता है। भाग 5, कार्रवाई के लिए हमारी अपील। जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के नुकसान के आपस में जुड़े खतरों के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा और पुनर्स्थापना करने और जीवन के अधिक स्थायी तरीके से संक्रमण के लिए हमें अभी कार्रवाई करनी चाहिए। पेरिस समझौता और जैव विविधता पर कन्वेंशन जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते इन मुद्दों पर वैश्विक सहयोग के लिए रूपरेखा प्रदान करते हैं। इन चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए हमें सरकारों, व्यवसायों और व्यक्तियों से मजबूत नीतियों, अभिनव समाधानों और सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता है। हम सभी अपने ग्रह की रक्षा करने में भूमिका निभा सकते हैं। अपने कार्बन पदचिह्न को कम करना, स्थायी प्रथाओं का समर्थन करना और परिवर्तन के लिए वकालत करना सभी महत्वपूर्ण कदम हैं। एक साथ काम करके हम जलवायु परिवर्तन को कम कर सकते हैं, जैव विविधता का संरक्षण कर सकते हैं और सभी के लिए एक स्वस्थ,
अधिक टिकाऊ भविष्य बना सकते हैं।